वक्त एक बड़ी खबर सोनीपत से आ रही है, जहां पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। सोनीपत के गन्नौर से एक बड़े हादसे की खबर आ रही है, जहां गांव के बाय रोड पर स्थित जीवनंद स्कूल की एक छत गिर गई है। छत गिरने से 25 के करीब छात्र और छात्राओं को गंभीर चोटें आई हैं। हादसे में 3 मजदूर भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल छात्र और छात्राओं को फिलहाल गन्नौर सामुदायिक अस्पताल भिजवाया गया है इलाज के लिए। 5 छात्रों को गंभीर हालत के चलते खानपुर PGI रेफर किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसी स्कूल की, जिसकी छत गिर जाने की वजह से कई गंभीर चोटें छात्र छात्राओं के अलावा वहाँ काम कर रहे मजदूरों को भी आई है। जो गंभीर रूप से घायल हुए छात्र उनको फिलहाल खानपुर के PGI अस्पताल में रेफर किया गया है, बाकियों का इलाज वहीं गन्नौर के सामुदायिक अस्पताल में किया जा रहा है। अचानक से छत गिरने की वजह से बड़ी आपदा, बड़ा कहर बच्चों पर टूट पड़ा। 25 बच्चे इसकी चपेट में आए, गंभीर रूप से घायल 5 बच्चों को PGI खानपुर रेफर किया गया है। गुरप्रीत चिन्ना मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लेकर। गुरप्रीत, गलती किसकी थी, कैसे यह हादसा हुआ, उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले जो छात्र हैं उनकी क्या स्थिति है? जी देखिए, जो बिल्डिंग गिरने के कारण जो हमें सूत्रों से पता चल रहा है, जो 5 विद्यार्थी हैं, जो 5 छात्र हैं, वो काफी सीरियस हैं और उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल में आगे PGI में भेज दिया गया है। यहाँ पे इलाज चल रहा है, लेकिन अभी क्योंकि अभी अभी की वारदात हुई है, अभी अभी का इंसिडेंट हुआ है, तो जितनी भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी रिपोर्ट ले रही है। और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि बिल्डिंग पुरानी है, ज्यादा बारिश आ रही करके होगी, वो इंक्वायरी तो बाद में होगी। लेकिन 3 मजदूर थे जो वहां पे, उनको भी गंभीर चोटें आई हैं, इनको लेके हॉस्पिटलाइज किया गया है। तो अभी तक जो सबसे बड़ी जो खबर आ रही है तो यही आ रही है कि 4 से 5 जो छात्र हैं वो काफी ज्यादा गंभीर रूप में हैं, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो उनके माँ बाप भी वरीड है, माँ बाप भी वहाँ हॉस्पिटल में लगातार पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, स्पेशली जो स्कूल चिल्ड्रन है जी। जी गुरप्रीत, कितनी पुरानी है इमारत की, क्या इस बारे में कोई जानकारी आपके पास? और अगर पुरानी थी भी इमारत, तो क्या उसका रखरखाव नहीं हो रहा था, क्या मेंटेनेंस नहीं हो रहा था? जी, लोकल अथॉरिटी से बात करने पे ये पता चला है कि इसकी इंक्वायरी की जाएगी, क्योंकि लगातार क्यों ऐसा इंसिडेंट हुआ है, लगातार यहाँ प्रॉपर फंड होते हैं स्कूल के मेंटेनेंस के लिए, प्रॉपरली एजुकेशन मिनिस्टर है, उनसे भी बात की जाएगी कि क्यों नहीं रिलीज हुआ, जब क्या कारण था। और एक टीम होती है जो इंस्पेक्शन करती रहती है टाइम टू टाइम, जिस इंस्पेक्शन में देखा जाता है कि अगर बिल्डिंग कहीं किसी ऐसी प्रॉब्लम में तो नहीं जिससे बच्चों की जान को भी खतरा हो सकता है, लेकिन इस समय जो जी। गुरप्रीत, शुक्रिया आपका। ये तमाम सवाल स्कूल प्रशासन से पूछे जाने चाहिए, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गुरप्रीत जुड़ने के लिए।